दोस्तों अगर आप Realme के फोन ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में तो आपके लिए ये न्यूज़ है और ये न्यूज़ बहुत ही बुरी है। क्यों दोस्तों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि Realme के फोन जो हैं अब महंगे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है और आज की इस वीडियो में दोस्तों सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि क्यों महंगी होने वाली है और कब तक महंगी हो जाएगी Realme के फोन्स। तो फटाफट इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो हाल ही में दोस्तों मैंने जो है ये Realme के दो फोन लिए हैं, Realme 2 और Realme 2 Pro, और दोनों ही फोन जो है काफी अच्छे हैं अपने प्राइस में। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसकी प्राइस ज्यादा पे करनी पड़े तो फिर आपको कैसा लगेगा? क्योंकि दोस्तों ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है माधव सेठ ने कि Realme के जो फोन है उनकी प्राइस हाई होने वाली है, उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है और उनको कंपनी चलाने के लिए प्राइस जो है थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो फ्यूचर में भी आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है देते रहें। तो माधव सेठ ने क्या कहा है पहले मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। माधव सेठ ने कल एक ट्विटर में कहा है कि द रूपी रेट्स आर फॉलिंग एंड एज अ ब्रांड वी एक्चुअली वर्क ऑन लो मार्जिन्स। इट इंडिकेट्स दैट वी माइट हैव टू अपग्रेड द प्राइसिंग जस्ट टू मेक श्योर दैट वी कंटिन्यू टू गिव यू द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन आवर अपकमिंग ऑफरिंग्स। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ सोल्यूशन पोस्ट दिवाली। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि वो काफ़ी लो मार्जिन में जो है फ़ोन को सेल कर रहे हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है और दिवाली के बाद जो है इसकी प्राइसिंग जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और प्राइसिंग ज़्यादा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के बाद जो है आपको Realme के फ़ोन जो है महंगे देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन सा फ़ोन महंगा होने वाला है ये तो अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि कुछ फ़ोन जो है वो महंगे हों, जैसे कि Realme C1 जो है वो महंगा हो सकता है। उसके बाद बात है कि अदर फोन्स हैं जैसे कि आपका Realme 2 हो गया, Realme 2 Pro हो गया, वो महंगा होगा या फिर नहीं होगा ये तो हमको दिवाली के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए दोस्तों ये तो कंफर्म है कि Realme फोन जो है महंगा होने वाला है दिवाली के बाद। तो अगर आप Realme के फोन लेना चाहते हैं और पसंद है आपको Realme एज ए ब्रांड तो आप जो है अभी ले सकते हो, नहीं तो दिवाली के बाद अगर आप फोन लोगे तो शायद आपको ज्यादा पैसे पे करना पड़े। अब दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हम लोग जो Realme के फोन पसंद करते हैं तो वो जो है बजट में काफी अच्छा चीजें आपको दे रहे हैं, इसी वजह से जो है हम Realme के फोन पसंद करते हैं। अब अगर इसकी प्राइसिंग हाई हो जाती है तो फिर क्या फर्क रह जाएगा अदर कंपनी में और इस कंपनी में? तो फिर हम क्यों Realme के ही फोन लेंगे, क्यों अदर कंपनी के फोन नहीं लेंगे? लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वो जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे और वो हमारे बजट के अंडर ही रहेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों जो अभी मिल रहा है वो एकदम बेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर इससे ज्यादा प्राइस होती है तो फिर मुझे बहुत ही क्या बोलूं, मतलब मुझे बहुत खराब लग रहा है। क्योंकि Realme को जो है मैं बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता हूं और काफी टाइम से Realme के ही फोन यूज कर रहा हूं, Realme 1, उसके बाद Realme 2 और Realme 2 Pro अभी यूज कर रहा हूं और काफी अच्छा फोन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी किसी भी फोन में। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि आप अगर देखो Realme 2 Pro और Honor 8X 14,000 और 15,000 की प्राइस में मिल रहा है और अगर प्राइस का डिफरेंट ज़्यादा नहीं रहा तो फिर बहुत सारे लोग जो है Honor 8X की तरफ ही जाना चाहेंगे Realme 2 Pro की जगह। बाकी दोस्तों आप बताओ आपको क्या लगता है इस प्राइस हाइक के बारे में, क्या आपको लगता है कि प्राइस हाइक करना सही रहेगा? और ये भी बताना कि प्राइस हाइक से जो है इनके सेल पे कितना असर पड़ सकता है। मुझे लगता है कि अगर प्राइस हाइक हुई तो सेल पे काफ़ी असर पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो।